यस, डिस्कस करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होगी। अब जेई में काफी कम टाइम बचा है, ऐसे में लास्ट टाइम में किस ढंग से प्रिपरेशन करें कि हम अपने स्कोर्स को बढ़ा सकें, ऐसे कुछ सेशंस में आपके साथ रेगुलर लूंगा और उन क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें कई बार हम उलझ जाते हैं। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कई सारी टेक्निक डेवलप होंगी, आइडियाज क्लिक होंगे आपको। और देखिए, लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे, बेसिक थ्योरी का रिवीजन होता रहे। तो आप थ्रू क्वेश्चन अगर रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। अल्फा जो है वो 0 to π/4 है, तो आपको बता रहा है 10 to α का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या क्या दिया है। एक दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी एक अप्रोच डेवलप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप करेंगे, जो पर्पज है मेरा। और बेस आप पूरा पढ़ चुके हैं, सारा कंसेप्ट आपके क्लियर है। लास्ट टाइम में ऐसा क्या प्रिपरेशन करें जिससे कि हम अपने स्कोर्स को बढ़ा सकें, ये सेशंस आपके लिए इसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा है 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा है 5/13। आपसे पूछा है 10 to α, ध्यान दीजिए बीटा नहीं है। क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम यूज करना चाहें, क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 to α को हम ऐसा लिख लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, देखिए बीटा से बीटा कैंसिल। और याद रखिएगा, कोशिश करिएगा स्टेप्स कम से कम लिखें, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए स्टेप्स लिख रहा हूं। अब इसको अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं 10 α + β + 10 α, ये फॉर्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, upon 1 - 10 α + β (10 α - β). अब देखिए, आपके पास कॉस है, यानी इसका मतलब ये 4 है, ये 5 है, तो 3 है। यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये 5 है, ये 13 है, तो ऑब्वियसली ये 12 होगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते थे ये अल्फा माइनस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते थे 10 है तो ऑब्वियसली 3/4 + 5/12 upon 1 - 3/4 × 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 1 4 और ऊपर आ जाएगा × 4 upon 48 - 15, यानी 43। तो 56/33 इज अ राइट आंसर, राइट। अब इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कई बार कुछ चीजें स्ट्राइक नहीं करती, अगर वो करेंगी तो आपका टाइम सेविंग होगा और वही चीज आपको करनी है। और याद रखिएगा, इस बार जैसे आपने पढ़ा है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट होगा। देखिए, जब हम क्वेश्चन को राइट अप्रोच से करते हैं तो हमें अपने आप ही सही आंसर मिलता है, तो उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस पॉजिटिवली जरूरत है कि आप क्वेश्चंस को करते चले। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10 α = β/a, a > b > 0 एंड इफ 0 < α < π/4, देन द वैल्यू ऑफ √a + b / √a - b / √a + b। अब देखिए, 10 α का वैल्यू दिया हुआ है b/a। क्या करेंगे, सिंपल, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो मुझे a + b (a - b) यानी 2a / √a² - b² मिलेगा। ट्राई करिएगा, जितना स्टेप कम से कम उतना अच्छा। एलसीएम लिया, ये आ गया। अब b/a की वैल्यू है तो a कॉमन ले लेते हैं, तो 2√1 - b² / a², या ऐसा भी बोल सकते हैं 2√1 - tan² α। इसके ऑप्शन साइन कॉस में अगर चेंज करें तो ये जाएगा 2√1 - sin² α / cos² α, यानी फाइनल आंसर आएगा 2cos α / √cos 2α। इसी फॉर्म में ऑप्शन दिए थे, क्या किया, पहले एलसीएम लिया और b/a के टर्म में बनाया और b/a की वैल्यू 10α पुट कर दी। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC इफ a < b > c एंड ABC are in AP, देन एंगल ए बताना है आपको। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है कि देन एंगल ए क्या होगा। आंसर बी के टर्म में दिया है। अच्छा, यहां पर देखिए साइड इक्वल नहीं है, नहीं तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या करेंगे,
एबीसी एपी में है, यानी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, या ऐसा भी बोल सकते हैं टू टाइम्स ऑफ साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। किस फॉर्मूले से? कोसाइन, साइन फॉर्मूले से। आपको पता है ए इक्वल टू होता है के साइन ऑफ ए, यस और नो? अब अगर मैं इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं तो टू टाइम्स, तो फोर टाइम्स ऑफ साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू, एंड दिस इज टू साइन ए प्लस सी बाय टू इन टू कॉस ए माइनस सी बाय टू। ये एक टू कैंसिल हो जाएगा कॉस बी बाय टू से साइन ए प्लस सी बाय टू कैंसिल, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस सी बाय टू को हम लिख सकते हैं पाई बाय टू माइनस बी बाय टू, तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? टू टाइम्स ऑफ साइन बी बाय टू इक्वल टू कॉस ए माइनस सी बाय टू। अब देखिए आंसर पूरा बी के टर्म में है, एंगल ए पूछा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सी को बी के ए बी के टर्म में बना ले तो ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए माइनस सी, ओ सॉरी माइनस बी। तो अगर मैं ये यहां रख दूं तो कॉस ए माइनस पाई प्लस ए प्लस बी बाय टू, या ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय टू माइनस पाई बाय टू। और कॉस में कुछ भी लिखो एक ही बात है, इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्योंकि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस ए, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया टू साइन बी बाय टू इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाय टू। अब देखिए इसके टर्म में इनवर्स में दिया तो इसका इनवर्स ले लीजिए, तो साइन इनवर्स टू साइन बी बाय टू। मैं आपको इस पूरे सेशंस में जो आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिंपल टफ हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स टू साइन बी बाय टू माइनस ऑफ बी बाय टू, दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। इफ अल्फा बीटा बी सच दैट पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन थ्री पाई, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू माइनस 21/65, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस 27/65, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू। अगर मैं इसमें बाय टू का डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में कॉस निगेटिव होता है, तो इसके दो आंसर तो कभी नहीं हो सकते, इन दो को तो रिजेक्ट कर दिया आपने। अब निगेटिव में कौन सा होगा वो हम कर लेंगे सॉल्व। अब देखिए अगर ध्यान दें तो एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है। अगर मैं इन दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करूं तो साइन स्क्वायर अल्फा, स्टेप कम से कम लिखनी है, मेंटली करिए, इसका होल स्क्वायर करा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वन प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज ऑल्सो वन प्लस टू टाइम्स ऑफ, आपको ऐसा मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इक्वल टू इनका स्क्वायर यानी 441 प्लस 729 अपॉन 65 का स्क्वायर। स्क्वायर मत करिए, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए टर्म। अब देखिए ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो हम और ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा 2 टाइम्स ऑफ, इसको इक्वल टू लिख सकते थे, इसको ऐड कर दीजिए 30, तो 1170 अपॉन 65 इंटू 65। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लग सकता है, तो 2 इंटू 2 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही पूछा था आपसे। अब देखिए 1170 अपॉन 65 65, ये कैंसिल, 13 5 जा 39 जा एंड 0, राइट, ये 2 से 10 से ये भी कैंसिल, तो 9 बचा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू 9 बाय 130 यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस माइनस 3 बाय रूट 130 पर हमें पता है नेगेटिव ही होगा क्योंकि गिवन है वहां पर, तो दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। इफ के इक्वल टू साइन पाई बाय 18 साइन 5 पाई बाय 18 साइन 7 पाई बाय 18 देन के इज, के पूछा है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल फाउंडेशन में सब बताया था, ये अगर देखें डिवाइड कर दो तो ज्यादा जल्दी होगा, ये है साइन 10, ये है साइन 50 और ये है साइन 70, या ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस 80 कॉस 40 और कॉस 20। आपको याद हो
एक फॉर्मूला बनाया हुआ cos x, cos 2x, cos 2 square x up to cos 2 power n minus 1 x equal to 1 upon 2 power n sin x into sin 2 power n x. कैसे? इसका प्रूफ भी बताया था कि इसमें केवल आपको सबसे छोटे sin 20 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अभी तो पहले डायरेक्ट लिखे हैं, तो 1 upon 2 cube sin 20 into sin 2 की पावर कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो 3 आएगी, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 into 20 यानी 160. देखिए ये आपस में कैंसिल, तो 1/8 इज द राइट आंसर. अब मैं स्टेप बाय स्टेप भी समझा देता हूं. क्या किया है? cos 20 था, sin 20 का मल्टीप्लाई, sin 20 का डिवाइड करेंगे आप, बाकी cos 40 cos 80 को ऐसा ही रहने दें. ये sin 20 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये हो गया sin 40, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये हो गया sin 80, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये हो गया sin 160 अपॉन 8 इंटू sin 20. ये दोनों सेम है, तो 1/8 इज अ फाइनल आंसर. राइट, नोट डन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, 1 प्लस रूट 1 प्लस ए इंटू टेन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 माइनस ए देन sin 4 अल्फा. sin 4 अल्फा बताना है. क्वेश्चन है tan अल्फा इक्वल टू, देखिए क्या दिया है. कभी भी कोई क्वेश्चन आए, थोड़ा इत्मीनान से सोचिए, उसको समझिए, फिर करिए स्टार्ट. अब देखिए ये है tan अल्फा, बताना है sin 4 अल्फा. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं हम, एक ही टर्म में अधिकतर ऑप्शन है. अब यहां x की जगह अगर मैं cos रखूंगा तो 1 माइनस cos, नहीं रूट में उलझ जाएंगे, a की जगह ले लीजिए sin 2 थीटा ले लीजिए चाहो तो. तो ये कुछ ऐसा हो गया, tan अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 माइनस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस sin 2 थीटा. अब क्या होता है कि आपका अगर फॉर्मूले पे स्ट्रॉन्ग कमांड है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं. 1 माइनस sin 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस sin होता प्लस होता तो प्लस आ जाता. इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा. बिल्कुल फाउंडेशन क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था. इसको हाफ एंगल से लिखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 sin थीटा बाई 2, ये स्टेप ना लिखें तो चलेगा, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. 2 कॉमन, 2 cos थीटा कॉमन निकल के कैंसिल, एक तरह से बचा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2. दिस इज tan pi by 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये tan अल्फा है, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया pi by 4 माइनस थीटा बाई 2. आपको 4 अल्फा बताना है तो 4 अल्फा इक्वल टू pi माइनस 2 थीटा, साइन ले लें दोनों तरफ तो साइन 4 अल्फा इक्वल टू साइन pi माइनस 2 थीटा, या साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा को ही a माना था, तो करेक्ट आंसर इज a. राइट, नोट करिए क्वेश्चन को.